हाय फ्रेंड, तो आपको जैसे बंडी का मैं और भी स्टिच करके बताया हुआ है, तो उसी तरीके से आप इसका बैन काटना है। तो बैन काटने के लिए इसका पूरा मैं प्रॉपर तरीक़े से बताऊंगा कि बैन कैसे बंडी का काटते हैं, कोई भी बंडी का हो। तो आप पहले इसको नाप करके फिर कटिंग करना है। आपको कॉलर जितना है उतना पहले नापना है। ये पूरा 16 इंची है, तो आप 16 इंची के हिसाब से बैन काटना है। तो ये आपका ये 16 इंची में नापा था, एक लाइन को हम 8 रखे। उसके बाद में 1.5 इंची रखे, फिर 1.5 इंची और 1.5 इंची। अब स्केल को बदल करके फिर इस साइड से रखना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं कि तो आपको इसमें अगर गोल चाहिए तो गोल भी हो जाएगा, और सीधा चाहिए तो सीधा। जैसे गोल राउंड है नीचे, बंडी का नीचे राउंड है, तो ऊपर कलर आप बैंड जो राउंड रखेंगे, अगर सीधा है तो ऊपर सीधा रखेंगे। में ये बकरम हो गया आपका, तो बकरम को सेम रख करके कलर, ये मैं पहले पैटर्न काटा हुआ था। उसके बाद में सीधा करके देखिए, एक लाइन कम रखा हुआ था तो पूरा ये आ गया। फिर उसके बाद में ये कटिंग कर देना है। जो मैं बंडी बनाया हुआ है उसी का मैं बंडी का बैन काट रहा हूँ, ताकि आपको ना लगे कि ये अंदाज से ही कटिंग कर रहे हैं बोल करके। इसको पूरा लगा करके आपको दिखाएंगे। ये ज़्यादा शेप नहीं किया है, ज़्यादा शेप करेंगे अब इस तरीके से इसको चिपका लेंगे। ये आपका ये लाइन देख करके, ऊपर भी लाइन देखना है, उधर भी लाइन देखना है, दोनों लाइन मिला करके फिर आपको साटना है। उसके बाद में एक छोटा पीस और लगा देना है।
से उसके ऊपर मोटर है या हाफ लगाते हैं, से आपका कॉलर जो है ना पीछे से टूटेगा नहीं जल्दी। इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है, ये अच्छे से सट जाएगा, उसके बाद में निकलेगा नहीं। एक पैर का सिलाई रख करके फिर काट लेना है, यानी हाफ इंची रख करके कटिंग कर लेना है नीचे से। ये एक लाइन हटा करके फिर ये सिलाई लगाना है। ये कॉलर को अपने यहाँ से पहले ज्वाइंट करना है। इसके बाद में यहाँ से ये कॉलर को बैंड को आपको पूरा कट इन करके और फिर वीडियो बनाया हुआ था, आप पूरा वीडियो देखें। आप ये पूरा फिल्म वीडियो देखेंगे फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह कटिंग किया हुआ है और किस तरह इसका पेस्टिंग किया हुआ है और इसका सिलाई कर रहे हैं। तो इस बंडी का आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, कटिंग का भी और सिलाई का भी। तो आप पार्ट पार्ट करके है तो आप पूरा पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा सेम सिलने में। तो इसलिए मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। और आप सबको अच्छे लगे वीडियो तो ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा चैनल पहले वाला बंद हो गया है।
देखिए ये मेरा ये बैन लग करके पूरा रेडी हो गया। आप देखिए कितना अच्छा शेप बैठा हुआ है, इसका गुलाई कितना अच्छा आया हुआ है। देखने में लग रहा था कि सही नहीं होगा, देखिए इधर से कितना अच्छा गुलाई आया हुआ है। तो आप कोई भी बंडी का कॉलर इसी तरीके से काटिए और लगाइए, आपका बेहतर होगा। तो अब इसके बाद में ये अंदर से तुरफाई कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। ओके वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।